ठीक ठाक होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्ड और ये गिफ्ट वगैरह, तो ये मेरे भाई की बर्थडे थी तो भाई की बेटियों ने उस भाई के लिए मतलब के बनाया था ये कार्ड, और कितना अच्छा बनाया था माशाल्लाह। ये देख के अपना बचपन याद आ गया, मैं भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थी, बहुत ज़्यादा मैं भी इस तरह की चीज़ें और ये कार्ड्स वगैरह मुझे भी बहुत शौक था। और अब मेरे भाई की बेटी जो फातिमा बड़ी वाली है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ये टैलेंट है, तो उसको देख के बहुत खुशी होती है कि जैसे मुझ में था अब उसमें भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का है ना। तो बस मैं उसको साथ साथ समझाती भी रहती हूँ कि फातिमा इस तरीके से आना चाहिए, और ये बच्चों को ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट करते हैं मेरे नज़दीक। तो उसके बाद फिर हम बाहर आए थे और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, और यहाँ पर मैं डेकोरेशन वगैरह कर रही थी, तो ये बैलून्स वगैरह मैंने फिल कर दिए थे, और यहाँ पर बच्चों का, क्योंकि माशाल्लाह सारे बच्चे जब ये कज़न इकट्ठे हो जाते हैं ना तो बस शरारतें इतनी ज़्यादा। तो बस हम ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि ये ड्यूटी मेरी होती है और इसमें मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। मुझे हमेशा डेकोरेशन का इन चीज़ों के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझ में भी बहुत ये है कि मैं भी क्रिएट कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अब तक इतना ही है कि ख़त्म नहीं हुआ ये काम, मैं अभी भी अपने कमरों में कोई डेकोरेशन करती रहती हूँ, कुछ भी मतलब कि ना हर वक्त मैंने आराम से नहीं बैठना अभी भी। तो खैर अच्छा, यहाँ पर जी ये बर्थडे थी तो सारा सेटअप हो लग चुका था, और ये केक थे उसके ऊपर हम लोगों ने दिखवाया था हैप्पी बर्थडे भाई। छोटा सा मुन्ना सा कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं भर रहे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना प्यार दिखाएं ताकि मैं इसी तरीके से और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँ। तो इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।